भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा T20 इंटरनेशनल गुरुवार 5 जनवरी को खेला जाना है। पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में यह मुकाबला होना है। टीम इंडिया जहां इस मुकाबले को जीतकर सीरीज पुणे में ही सील करना चाहेगी, वहीं श्रीलंका की टीम चाहेगी कि वो आज हर हाल में जीत हासिल करे ताकि तीसरे मुकाबले तक सीरीज लाइव रहे। भारतीय टीम को अगर सीरीज सील करना है गुरुवार को तो उसे कुछ कमजोरियों को दूर करना ही होगा। कौन सी हैं वो कमजोरियां, वही बताऊंगा आज आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन क्रिकेट ग्राउंड पर आज भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा T20 इंटरनेशनल खेला जाना है और इस मुकाबले में श्रीलंका की टीम बदला लेने के इरादे से उतरने वाली है तो भारतीय टीम सीरीज को अपने कब्जे में लेने की तैयारी में है। लेकिन यह काम आसान नहीं है। श्रीलंका एशियाई चैंपियन है और एक चैंपियन टीम के सामने जीत आसानी से मिलती भी नहीं। पहले T20 इंटरनेशनल में जिस तरह का रोमांचक मुकाबला हुआ उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि दूसरे मैच में भी जो दर्शक हैं वो उसी तरह के रोमांच की उम्मीद कर रहे हैं। भारतीय टीम को अगर दूसरा T20 इंटरनेशनल जीतना है, मतलब गुरुवार को सीरीज सील करनी है, तो अपनी कुछ कमजोरियों को दूर करना होगा। जो सबसे बड़ी कमजोरी अगर हम पहले T20 इंटरनेशनल को देखकर निकालें तो वो ये है कि हमारे स्पिनर्स अपनी योग्यता के अनुसार या अपने पोटेंशियल के अनुसार बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं। यह बात ठीक है कि अक्षर पटेल ने आखिरी ओवर फेंका और वो मैच विनिंग ओवर था, लेकिन अगर आप देखें तो जो हमारे स्पिनर्स हैं, दो स्पिनर्स जो प्रमुख युजवेंद्र चहल और अक्षर पटेल, अगर इन दोनों के कोटे के 8 ओवर में से सिर्फ कप्तान उन्हें 5 ओवर ही करने को देते हैं तो आप इससे समझ सकते हैं कि हमारे स्पिनर्स का प्रदर्शन कैसा रहा। और उस 5 ओवर में भी जो भारतीय स्पिनर्स हैं उन्होंने रन लुटाए हैं, 57 रन लुटाए हैं। 2 ओवर में 26 रन चहल ने दिए जबकि 31 रन 3 ओवर में अक्षर पटेल ने खर्च किए। तो भारतीय स्पिनर्स को अपने बॉलिंग पर काम करना ही पड़ेगा और न सिर्फ किफायती गेंदबाजी करनी होगी बल्कि विकेट भी निकालने होंगे मिडिल ओवर्स में। और युजवेंद्र चहल के लिए यह एक बड़ी चुनौती है क्योंकि आप इसी से समझ सकते हैं कि युजवेंद्र चहल को T20 का जो विश्व कप हुआ था उसमें प्लेइंग 11 में जगह क्यों नहीं मिल पा रही थी। इसके अलावा हर्षल पटेल को भी अपनी गेंदबाजी में सुधार करने की जरूरत है क्योंकि वो महंगे साबित हो रहे हैं, बहुत प्रिडिक्टेबल बॉलिंग वो कर रहे हैं। तो ये कुछ कमियां हैं जो भारतीय टीम को दूर करने की जरूरत है। इसके अलावा पावर प्ले में भारतीय टीम को अपना प्रदर्शन सुधारना होगा। पहले T20 इंटरनेशनल में अगर पहले ओवर में 17 रन आ जाते हैं और फिर जब आपका 6 ओवर का कोटा खत्म होता है और आप उसमें सिर्फ 41 रन बनाते हैं और 2 विकेट गवा देते हैं तो आप समझिए कि बाकी के 5 ओवरों में आपने किया क्या, मतलब 24 रन बनाए और 2 विकेट आपने गवा भी दिए। तो यहां पर पावर प्ले में सुधार की जरूरत है भारतीय टीम को, बैटिंग पावर प्ले में। इसी तरह से जो मिडिल ओवर्स होता है, जो आप कहते हैं कि 7 से 15 ओवर का जो मैच है जहां पर की गेम चलाते हैं आप, वहां पर भी रन रेट भारतीय की टीम के लिए वो चिंता का विषय है। अगर हम पहले T20 इंटरनेशनल को आधार माने तो आप देखेंगे कि भारतीय टीम ने 7 से 15 ओवर के बीच में जो 9 ओवर है उसमें सिर्फ 60 रन बनाए और 3 विकेट गवा दिए। तो यहां पर आप मैच लूज करने की स्थिति में आ जाते हैं और यही पहले T20 इंटरनेशनल में होने वाला था। यह तो भला हो दीपक हुड्डा और अक्षर पटेल का कि उन्होंने आखिरी 5 ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और 61 रन बना डाले।
तो इसलिए ये दो कमजोरियां जो है आपको दूर करना होगा। पहले तो स्पिनर्स को अपने पोटेंशियल के अनुसार गेंदबाजी करनी होगी, फ्लाइट देने से डरना नहीं होगा, आपको विकेट निकालना है। जब चूंकि आप जितना विकेट निकालेंगे सामने वाली टीम पर दबाव उतना बढ़ता चला जाएगा। इसके अलावा पावर प्ले और मिडिल ओवर्स में आपको खेल में सुधार करने की जरूरत है। संजू सैमसन को भी समझना होगा कि बार बार मौके नहीं मिलते और जो मौके आपको मिल रहे हैं उसे आपको भुनाना है। जो शॉर्ट सिलेक्शन था उनका पहले T20 इंटरनेशनल में वो सही नहीं था और इसकी आलोचना भी हो रही है, तो उन्हें अपने विकेट पर प्राइस टैग लगाना होगा क्योंकि ये उनके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस लिहाज से संजू सैमसन से भी आप दूसरे T20 इंटरनेशनल में एक बड़ी पारी की उम्मीद कर रहे हैं। शुभमन गिल को भी अपने आप को साबित करना है। सूर्या पहले मैच में नहीं चले हैं और अगर सूर्या दूसरे T20 इंटरनेशनल में चल जाते हैं तो फिर बहुत कुछ जो मैच है वो भारत के पक्ष में आ सकता है। एक और जो महत्वपूर्ण बात है कि अगर पुणे में सीरीज सील होती है नहीं, उसमें हार्दिक की गेंदबाजी भी है। क्या हार्दिक पूरी तरह से फिट हैं? पहले T20 इंटरनेशनल के दौरान हमने देखा था कि एक कैच लेने के दौरान उन्हें क्रैम्प आया था, हालांकि उन्होंने मैच के बाद कहा कि वो मामूली क्रैम्प था, कुछ लिक्विड उनके बॉडी में कम था, शायद ये उसकी वजह थी। तो अगर वो पूरी तरह से फिट हों और पूरे 4 ओवर डाल सकें तो वो बहुत जरूरी है। इसके अलावा प्लेइंग 11 पर भी भारतीय टीम सोच सकती है। क्या हर्षल पटेल के साथ टीम जाएगी, क्या संजू सैमसन बदले जाएंगे, ये बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मुझे लगता है कि संजू सैमसन को तो अभी मौका मिलेगा और मिलना भी चाहिए। लेकिन अगर अर्शदीप सिंह फिट हो जाते हैं तो वो टीम में किसकी जगह फिट होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि अगर अर्शदीप फिट हो जाते हैं तो हर्षल पटेल के लिए मुश्किल हो सकता है। दूसरी तरफ यजुवेंद्र चहल का प्रदर्शन अच्छा नहीं है और वाशिंगटन सुंदर टीम में आने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन देखना है कि हार्दिक चहल को एक और मौका देते हैं या सुंदर के साथ जाना चाहते हैं, जिन्होंने हाल के दिनों में बैट और बॉल दोनों के साथ अच्छा प्रदर्शन किया है। क्योंकि जब आप अगर हर्षल पटेल को अर्शदीप से रिप्लेस करते हैं तो बैटिंग थोड़ी कमजोर होती है, तो उसकी भरपाई के लिए आप जो हैं यूजी चहल की जगह पर वाशिंगटन सुंदर को टीम में ला सकते हैं। लेकिन एक बात और है कि जो दीपक हुड्डा हैं वो ऑफ स्पिन भी गेंदबाजी कर लेते हैं, शायद इसी वजह से पहले मैच से सुंदर बाहर थे। तो देखना है क्या होता है भारतीय टीम की जो प्लेइंग 11 है दूसरे T20 इंटरनेशनल में। फिलहाल तो हम भारतीय टीम को शुभकामनाएं देंगे और सभी चाहेंगे कि पुणे में ही भारतीय टीम सीरीज सील करे। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।